अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बेगूसराय से बीजेपी सांसद भोला सिंह ने अब एक ऐसा बयान दिया है जिसका विरोध खुद उनकी पार्टी ही कर रही है। बेगूसराय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भोला सिंह ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार की तुलना शहीद भगत सिंह से कर दी, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी सांसद भोला सिंह बेगूसराय में बीजेपी नेता कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वो कुछ ऐसा बोल गए जिसे सुनकर वहां बैठे बीजेपी कार्यकर्ता भड़क उठे और उन्होंने सभा का बहिष्कार कर दिया। दरअसल भोला सिंह शहीद भगत सिंह की बात कर रहे थे कि तभी अचानक सांसद महोदय स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की तुलना जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार से करने लगे। उन्होंने कहा कि भगत सिंह को भी उस समय की सरकार देशद्रोही मानती थी, जैसे कि आज की सरकार कन्हैया को मानती है। जिस तरह भगत सिंह को कोई भी देशद्रोही नहीं मानता, उसी तरह भोला सिंह भी कन्हैया को देशद्रोही नहीं मानते हैं। इसके बाद भोला सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी और केंद्र को लगता है कि कन्हैया देशद्रोही है तो उन्हें इस बात को सबके सामने साबित करना चाहिए। उनके इस बयान के बाद तो जैसे वहां हंगामा खड़ा हो गया। कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव रजनीश कुमार ने कहा कि अगर उन्हें ऐसी बयानबाजी करनी है तो बाहर जाकर करें। दिव्य लाइव की रिपोर्ट।